ये क्या है? उधर देखो, वहाँ एक छोटा बच्चा रो रहा है। लगता है किसी मुसीबत में फंसा है वो। चलो बचाते हैं। ऐसे तूफान में आप मत जाइए सरदार। उस बच्चे की जिंदगी का सवाल है। देखो तो बच्चा कितना सुंदर है। बच्चे को बचाने के लिए आपने अपनी जान को खतरे में डाल लिया। अरे बादल, ये हम सबकी रक्षा करने वाले देवता हैं। आशीर्वाद ले लो। अरे मुझसे नहीं, भगवान से ले लो। मेरे माँ बाप और भगवान आप ही हो सरदार। अरे एमपी साहब आ गए, शुरू करो। नमस्ते। आइए एमपी साहब। हाँ आओ। ये सब किस लिए सरदार? हम साल में दो बार ही त्योहार मनाते हैं साहब। एक जब हम अपने देवताओं को पूजते हैं, दूसरा जब आप हमारे जंगल में आते हैं। जंगली होकर मेरी बहू के साथ खेलता है।
बादल, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? हैं? बच्चा है, इसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। बच्चा होता तो क्या पत्थर उठाता? आपको पहचाने बगैर खुद को बचाने के लिए पत्थर उठाया, जाने दो साले साहब, चलो। बहुत गुस्से में हो क्या? तुम्हारे मामा ने मुझे जंगली कहा, बोलो मैं क्या जंगली हूँ? यू आर ए गुड बॉय। मेरे मामा अच्छे आदमी नहीं है, वेरी बैड। तुम्हारे फॉरेस्ट में बैर होते हैं ना, वैसे है वो, मतलब भालू। तुम्हें इंग्लिश नहीं आती? मुझे कुछ भी पढ़ने नहीं आता। मैं सिखाऊंगी, तुम सीखोगे क्या? पढ़ना क्यों? इसलिए क्योंकि मेरे मामा तुम्हें जंगली बोल रहे थे, अगर तुम यहाँ ऐसे रहोगे तो सच में जंगली बन जाओगे। अगर तुम अच्छी तरह पढ़ाई करोगे तो बड़े आदमी बन जाओगे। बड़े आदमी मतलब? बड़े का मतलब मेरे डैडी के जैसे। तुम बड़े आदमी बनोगे, ऑफिसर, पुलिस वाले सब तुमको सैल्यूट मारेंगे। तुम्हें मेरे मामा ने जंगली बोला था ना, वो भी तुम्हें सैल्यूट मारेंगे। अच्छा, तो तुम मुझे अच्छे से पढ़ाना, फिर मैं जल्दी जल्दी बड़ा आदमी बन जाऊंगा। चलता हूँ सरदार। साहब जी, पहाड़ों में आकर जब आपने देखा कि हमें रहने के लिए घर नहीं है, तो सबके लिए घर बनवाए, लाइट लगवाई, बस चलवा दी, हमारे कबीले के लिए कितना अच्छा काम करके जा रहे हैं साहब जी। हमें इस उपकार का बदला चुकाने का अवसर इस जन्म में ही प्राप्त हो, मैं इस भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अरे बादल, बादल, मैडम जी जा रही है। ये सब मैडम जी के लिए अमृत है। भगवती मातंगे श्री सम्मोहन बाणमयी सार्वकामिके पशुपक्षी मृमानोर्दरिंगिनी मनसोला। अरे बादल, माँ का आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा रहेगा। पढ़ाई के लिए तू सरदार को छोड़कर जा रहा है, अच्छी तरह से मन लगा कर पढ़ना। ए हडियो 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 हडियो, बादल बस के लिए देर हो रही है, जल्दी चलो। अरे सहदेव, ये क्या इतना बड़ा टीका? मुझे नजर ना लगे इसलिए लगाया सरदार। ए, ये कौन है? मेरा फ्रेंड ना, इसलिए शहर जाकर पढ़ेगा तो लोग क्या कहेंगे, अब आप ही बताओ। सहदेव का फ्रेंड शहर जाकर पढ़ रहा है, फिर नजर किसे लगेगी? मुझे ही ना। ठीक है, इधर आ बादल। हाँ चलो बादल, यहाँ पर हम सब एक हैं, कोई किसी को कुछ नहीं बोलता, पर शहर में लड़कियों को भी नहीं छोड़ते, उन्हें अपना शिकार बना लेते, उनसे थोड़ा बच के रहना। ठीक है, चलता हूँ सरदार। जाओ। ठीक है। हाय काजल, तू भी इस कॉलेज में आ गई? और क्या, तू जहाँ जाएगी वहाँ मुझे पाएगी। स्कूल में पीछा नहीं छोड़ा, जूनियर कॉलेज में पीछा नहीं छोड़ा, अब यहाँ पर भी आ गई। कॉलेज है ना, हमारी ड्रेस भी सेम टू सेम है, बैग भी सेम टू सेम है, तुम्हारी जीरो कॉपी हो। कंटिन्यू कंटिन्यू। गुरु गुरु, वाह देखो गुरु, इस साल की नई फ्रेशर्स आई है। वाह वाह वाह, क्या ब्यूटीफुल लड़की है, खूबसूरत है। रम्या से ज्यादा ऐश्वर्या से कम लग रही है। नहीं, ऐश्वर्या से बढ़कर और प्रेजेंट सुंदरियों में से सबसे अच्छी है। अरे वहाँ देखो, केले के पेड़ से ज्यादा नारियल के पेड़ की तरह एक नया मुर्गा आ रहा है।
नए मुर्गे से खेलते हैं। बुलाओ गुरु, रुलाते हैं उसे। हाँ बुलाओ। ओए, इधर आना। आज पता नहीं किसका मुंह देखा था इस बिचारे ने। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। तूने क्या सोच लिया? नमस्ते कहने से हम तेरी रैगिंग नहीं करेंगे? नहीं नहीं, आप सीनियर हैं इसलिए नमस्ते कहा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बादल है, मैं जंगल से आया हूँ। जंगल से आए हो? वो कहाँ पर है? एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ पर्वत, बीच में हमारा गांव है। कुल मिलाकर 1000 लोग हैं, लेकिन सब फैमिली की तरह रहते हैं। मतलब कबीले से छूट कर आए हो? इसके लिए जंगल टाइप की रैगिंग करो गुरु। वहाँ देखो, वहाँ देखो, पत्थर से सीधे ऐसा गिराओ कि मेरे हाथ में गिरना चाहिए। 3 बार चांस मिलेगा तुम्हें। मिस किया तो 300 उठक बैठक लगानी होगी। ये ले पत्थर, मार। ये नहीं मारूंगा। नहीं मारेगा? फिर क्या करेगा? जरा इसे पकड़िए। जैसे कहा था उसी तरह आपके हाथ में आम रख दिया। इतना काफी है या कुछ और भी आपके हाथ में रखना है? हाँ, फॉलो मी। नारियल दे। ये लो, इस नारियल को छीलकर मेरे हाथ पर रखना होगा। इसके लिए केवल तुम्हें 2 सेकंड का टाइम मिलेगा। ये लो चाकू, ये रहा नारियल। इतनी छोटी सी चीज के लिए चाकू की क्या जरूरत? फिर कैसे छीलेगा? देखते जाइए। बिना नारियल को तोड़े आपने कैसे छील दिया? जंगली बादल का यही तो कमाल है, जहाँ पर भी मार पड़ती है काम पूरा करती है। गुरु, ये ब्रूसली कम टार्जन ज्यादा लगता है गुरु। अच्छा चले जाओ, तुम्हें छोड़ दिया, चलो चलो। गुरु अच्छा हुआ हम लोग वहाँ से आ गए, ऐसा लग रहा था मुझे कि उसकी रैगिंग नहीं, वो हमारी रैगिंग कर रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं, डेफिनेटली उसी ने तुम्हारी रैगिंग की। ए, इस कॉलेज में तू फ्रेशर है, फिर तो मैं अब तुम्हारी रैगिंग करूंगा। नो नो, ऐसी हरकतें मुझे पसंद नहीं। रुको 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 रुको। अरे रुको, रैगिंग का मतलब है जैसे हम बोलेंगे वैसे ही तुम्हें करना होगा। सुनिए जी, ये एक लड़की है, इसको छोड़ दीजिए जी। तुम इस चक्कर में मत पड़ो, इस झाड़ू को पकड़ो और इस रोड को साफ करो जानू। मैं नहीं साफ करूंगी। ओह, शर्म आ रही है, फिर चलकर बाथरूम साफ करो। मैं नहीं करूंगी। नहीं करोगी तो हमारे कहने के अनुसार तुम्हें दंड बैठक लगानी होगी जानू। सर रहने दीजिए, जिद मत कीजिए, इनकी जगह मैं दंड बैठक लगा लेता हूँ। फिर तुमको तो 1000 दंड बैठक लगानी होगी। बात अभी लगाता हूँ ना। एक, दो, तीन, चार। ए प्रिंसिपल, बाहर निकल। कौन है आप सब? ये क्या बदतमीजी है? भाई को कॉलेज से क्यों निकाला तूने? नहीं, लेडीज टॉयलेट में घुसकर गंदे गंदे फोटो बनाए थे। जवान लड़का अगर लेडीज टॉयलेट में नहीं घुसेगा तो तेरे टॉयलेट में घुसेगा। ये सारी बातें भूलकर वापस ले ले उसको। अगर तुमने इज्जत से बात नहीं की तो मैं यहाँ पुलिस को बुलाऊंगा। तू पुलिस को बुलाएगा? हां, तू क्या सोचता है मैं पुलिस के नाम से डर जाऊंगा तेरी? तो वो गुंडे हमारे प्रिंसिपल को मार रहे हैं और आप लोग खड़े होकर देख रहे हैं। जाइए ना, जाकर मारिए उन्हें। एक सर, तू भी तो जाकर वहाँ मार सकता है ना। सर मैं कैसे जा सकता हूँ? अभी तो मुझे 1000 दंड बैठक लगानी है। गुरु उसे भेज दो, उन गुंडों से मार खा के आएगा। ओए, तेरी पनिशमेंट कैंसिल कर रहा हूँ, जा बचा उन्हें। सर ये हुई ना कोई बात, अब देखते जाइए जी जंगली बादल उन्हें कैसे मारता है। नहीं, वापस लेगा कि नहीं लेगा? Oh!
ये तो वहीं पर गिर गया। जंगली बादल ऐसा ही मारता है, मैं देखकर नहीं मारता, गिराकर मारता हूँ। तुम्हारा नाम क्या बेटा? मेरा नाम बादल है, मेरा गांव जंगल में है। तुमने पहले दिन ही आकर हमारे कॉलेज की इज्जत बचा ली। हम लोग हर बार साल के लास्ट में एक बेस्ट स्टूडेंट चुनते हैं, लेकिन इस साल की शुरुआत में ही मैं तुम्हें बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज चुनता हूँ। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर बादल। थैंक्स जी। गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्रेशर डे पार्टी। एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज आई हैव टू अटेंड द गैदरिंग, बट आई गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू मिस्टर बादल बिकॉज ही हैज बीन सेलेक्टेड एज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ अवर कॉलेज बाय अवर प्रिंसिपल। वेलकम मिस्टर बादल। क्या बादल? मिस्टर बादल प्लीज कम ऑन टू द स्टेज। जाओ बात करो। अरे बाप रे सर, मैं नहीं कर सकता। जंगली जानवरों की बात करो, जाओ जाओ। ए, उठो जाओ। गो गो, गिव इन द बिग हैंड प्लीज। क्या फंसा है इस जंगली बादल को? इंग्लिश तो आती नहीं होगी। उल्टी सीधी इंग्लिश बोलकर लड़कियों के सामने बकरा बन जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आई एम बादल। आई हेल फ्रॉम द सेम मनियम वेयर द ग्रेटेस्ट सन ऑफ द इंडियन अल्लारू सीताराम राजू फॉट फॉर द कॉज ऑफ द कंट्री एंड ऑल्सो फॉर द वेलफेयर ऑफ द डाउन टू अर्थ पीपल। हम देश के अलग अलग राज्यों से आते हैं, लेकिन एक समुद्र की तरह हम हर प्रांत से आने के बाद भी यहाँ पर एक साथ रहते हैं, और हमें एकता का पाठ पढ़ाने वाला अगर कोई है तो वो है ये विद्यालय। अरे गुरु, ये तो मामूली आदमी नहीं। तू बंद कर। ए काजल, 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 मैं तुझे एक बात बताऊं? बता। मेरी दीदी की शादी तय हो गई। वाओ, दैट्स ग्रेट। लड़का क्या काम करता है? आग बुझाता है। ये क्या कह रही है? फायर स्टेशन पे जॉब करता है। एक मिनट। हेलो। हाय डार्लिंग। एक बात बताओ, तुम्हें कॉलेज के वक्त फोन मत करो, सबको पता चल जाएगा। ओके ओके ओके। मेरी मम्मी थी। मेनका मेनका, एक बात बताऊं तुम्हें? बताओ बताओ, बताओ बताओ। मैं बालों में तो फूल लगा लूंगी पर कानों में नहीं। वन मिनट। हेलो। हाय। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं आपसे एक बात पूछूं? क्यों नहीं जी, पूछिए ना। आप तो जंगल से आए हैं ना, फिर इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं? आपने गाना कहाँ से सीखा? कौन है आपका इंस्पिरेशन? एक मैडम जी हैं। मैडम जी हैं? जी हाँ मैडम जी, मैं तो जंगल में रहने वाला एक मामूली लड़का हूँ। आज अगर मैं इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आया हूँ तो इसकी वजह वो मैडम जी हैं। ये मैडम जी कौन है? बहुत साल पहले हमारे यहाँ एक एमपी साहब आए थे, उनके साथ उनकी बेटी भी आई थी। कहा था तुम मन लगाकर पढ़ना और बहुत बड़े आदमी बनना। एक स्लेट लाकर कुछ अक्षर लिख कर दिए थे। उसी दिन मैंने एक कसम खा ली थी, मन लगाकर पढ़ूंगा और बड़ा आदमी बनूंगा। तुम मुझे अच्छी तरह से पढ़ाना और मैं जल्दी जल्दी बड़ा आदमी बन जाऊंगा। सिटी में रहने वाले आज जैसे बड़े लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर हमारे जैसे जंगल में रहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। भूखे रहने वालों को ही भूख का एहसास होता है, अंधेरे में रहने वाले ही उजाले की अहमियत जानते हैं। मुझे उजाला दिखाने वाली वो मैडम जी पता नहीं कहाँ होंगी। मेरे जिस्म में जब तक जान है वो मेरे दिल में बसी रहेंगी। मैडम जी आपको इतनी पसंद है? पसंद क्या है जी, मेरी जान है। जैसे मैंने नारियल को छिला था ना, उसी तरह अपना सीना चीर कर दिखाऊंगा तो इसमें भी वही नजर आएंगी। चलता हूँ जी। क्या हुआ गुरु, कॉलेज छोड़कर यहाँ खड़े हो? वहाँ देखो जरा, ब्यूटी क्वीन चूड़ी खरीद रही है क्या? कहीं गुरु के लिए इतनी खरीद रही है? और नहीं तो क्या, उस बादल के आने के बाद ये हीरो जीरो बन गया। तेरी तो, ओए इस बादल के जैसे कितने भी लड़के आ जाएं, तब भी इस कॉलेज का हीरो मैं ही रहूंगा। अभी करता हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। मैं एक काम बताता हूँ, करोगे क्या? आप सीनियर हैं जी, जो आप कहेंगे वो करना पड़ेगा। गुड गुड गुड। उस शॉप में काजल है, देखो जा करके उसका साइज क्या है पूछकर आओ। ठीक है जी। क्या जंगली बादल? देखना वहाँ पर जाकर उससे साइज पूछेगा ना। कल जिस हाथ से शेक हैंड किया था आज उसी हाथ से घुमा कर देगी। नमस्ते जी। हाय।
हेलो, टाइम कितना हुआ है? 4:45. बुरा मत मानिए जी, उन्होंने आपके हाथ का साई लेने के लिए कहा था, वही ले रहा था. मेरा काम हो गया जी, मैं चलता हूँ. बादल, समझ में नहीं आ रहा, मेरे हाथों में कौन सी चूड़ी अच्छी लगेगी, तुम बताओगे? आप गुलाब की तरह है ना जी, इसलिए गुलाबी अच्छी लगेगी. ये गुलाबी रंग आप पे बहुत अच्छा लगेगा जी. तुम ही पहना दो ना. गुरु, मेरे हाथ में कौन सी चूड़ी अच्छी लगेगी, तुम बताओ? तुम एकदम गुलाब जैसी हो ना, तो तुम्हें गुलाबी रंग की चूड़ी अच्छी लगेगी. फिर तुम ही पहना दो. घुमा घुमा कर मारेगी सोचा था, घूम घूम कर चूड़ी पहनवा रही है. तुम्हारा फेंका हुआ पत्ता उसके ऊपर काम आ गया. आ रहा है, आ रहा है. क्यों बे, मैंने क्या कहा था, तूने क्या किया? साइज कितना है पूछने के लिए कहा था, वहाँ जाकर टाइम कितना हुआ पूछा था. एक जवान लड़की से उसका साइज पूछना मतलब उसका अपमान करना होता जी. मैं कोई जानवर नहीं हूँ जी, इसलिए मैंने दिमाग का इस्तेमाल किया जी. चलता हूँ जी, चलता हूँ जी. मतलब हम जानवर है क्या? क्या दीदी, तो तुम्हारे में से एमपी वेंकटराव कौन है? मैं हूँ जी. इधर आ. करते समय नहीं डरा, अब क्यों डर रहा है? आ इधर. करीमनगर के टेंडर का कॉन्ट्रैक्ट मैंने राम राव को दिया था ना, तूने फिर बीच में अपना टेंडर क्यों डाला? एमपी साहब से पूछ के डाला था माजी. ए! मेरा पति अगर तुम्हारा एमपी है तो ये त्रिभुवना उनकी एमपी है. तुमने क्या समझ रखा है मुझे? खून की प्यासी हूँ मैं. इस घर में जिस दिन मैं शादी करके आई थी, मैं चाकू साथ में लेके आई थी. काट डालूंगी तुझे. टेंडर वापस ले लूंगा माजी. ये बात तुझे मेरे आने से पहले बोल देनी चाहिए थी. बैठ, एमपी को भेजती हूँ अब. डैडी, मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं? नई है क्या? कहाँ से लाई? बहुत अच्छे लग रहे हैं बेटी. थैंक्स डैडी. ये क्या, सोने की चूड़ियाँ पहनने की बजाय कांच की चूड़ी पहनी है? मेरे सब फ्रेंड पहन रहे थे इसलिए मैंने भी पहन ली मम्मी. सोने की चूड़ी ही अच्छी लगती है, तुम्हारे हाथ में कांच की चूड़ी अच्छी नहीं लग रही, उतार इसे. अरे बच्ची ने इतने प्यार से पहन रखे, जाने दो ना. देखो, आप इन मजदूरों के नेता हो तो अपनी मजदूरों जैसी सीख मेरी बेटी को मत सिखाओ. एक ही तो इकलौती बेटी है, मैंने उसे आज तक धूल तक नहीं लगने दी, ऐसे में उसने अपने हाथों में कांच की चूड़ी पहन रखी है, मैं कैसे छोड़ दूँ उसे? सुनो, एक बार मैंने एक एमपी की सीट के लिए एमपी को एक चांटा मार दिया था, तब से मैं ये हाथों में सोने की चूड़ियाँ पहन के रखती हूँ, कांच की नहीं. और देखना, इसे भी यही पहनाऊंगी. क्या कहा तुमने, सीट के लिए एमपी को मार दिया? हाँ, उसका बाप होता उसे भी मारती, समझे? अगर मैंने अपनी जुबान से कुछ बोल दिया तो वो भगवत गीता की तरह है, नहीं माना तो खून की गीता है. क्या ऐसे क्या घूर घूर के देख रही है? उतार इन चूड़ियों को वरना हाथ काट के फेंक दूंगी. उतार देती हूँ. सुनो जी, वेंकट राव का ये ना सोचे कि मैं उसे मार डालूंगी. आप नीचे जाकर उसे समझा दो. ए काजल, काजल काजल काजल, एक बात बताओ तुम्हें. क्या है? तुम्हारी चूड़ी मेरी चूड़ी सेम टू सेम. ये क्या, तुम्हारी चूड़ी कहाँ गई? वो पहनना भूल गई. उस बादल की पसंद की तूने चूड़ी पहनी थी, अब हाथ में नहीं देखकर उसे कितना बुरा लगेगा. तुम्हारी में से आधी दे दो. ठीक है. कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है जी. बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा मेरे डैडी ने कहा. लेकिन तुम क्या कहोगे, इसलिए मैं तुम्हें दिखाने आ रही. ना जी, अच्छी लग रही है, मैं चलता हूँ जी. ये चूड़ी अगर तुम्हारी मैडम पहनती तो कैसी लगती? तब तो चूड़ी भी शर्मा जाती जी. हाँ, तुम मैडम जी के बारे में बात करते हो ना, तो ऐसा लगता है कि बस सुनती ही जाऊँ. ये तो मैडम जी का बड़ापन है जी. अच्छा, तुम्हारी मैडम जी ने तुम्हें बड़ा आदमी बनने को कहा था ना, ये बड़ा आदमी कैसे होता है? बड़े आदमी का मतलब है जैसे मैडम को पसंद है जी. तुमने तो उन्हें बचपन में देखा था ना, अब पता नहीं वो कैसी दिखती होंगी. और कैसी होगी जी, एकदम सोने की गुड़िया दिखती होंगी. मेरे जैसे सुंदर दिखती होगी? आपके जैसे कैसे दिखेंगी, उनकी तो ब्यूटी अलग है, स्टाइल ही अलग है. कुछ भी हो, मैडम जी तो मैडम जी हैं. मैं चलता हूँ जी. अभी बेल नहीं बजी, तब तक एक बात पूछूं? पहले ही बहुत कुछ पूछ लिया है, क्वेश्चन पेपर में भी इतने प्रश्न नहीं होते जी. ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन पूछती हूँ मैं. अगर एकदम से तुम्हारी मैडम जी तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या करोगे? ऐसे कैसे आएंगी जी? समझ लो वो आ गई. नहीं, मुझे ही अपनी मैडम जी समझ लो. क्या समझूं? समझ लो, मुझे क्या कहोगे? क्या कहूंगा जी उनसे? मैं आपसे कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा जी, मैडम से ही कहूंगा. क्या गुरु, शहर को छोड़कर यहाँ रेत पर उल्टे होकर तपस्या कर रहे हो? सीधे होके कोई आइडिया नहीं आया, तो उल्टा होके कोई नया आइडिया सोच रहा है क्या भाई? अच्छा, सुपर आइडिया आ गया.
वो क्या है? ए, काजल कहाँ? इधर उधर जाकर ढूंढो। इधर उधर क्या देख रहे हो? आपके सामने ये गुरु। गुरु वहां देखो। निकाल सांप को। सांप दांत में से अभी जहर भी नहीं निकाला है, इसका कांटा कोई बचा नहीं आज तक। इसीलिए तो तुझे बुलाया है, ये सांप उसके पास जाना चाहिए। बचाने के लिए बादल वहाँ जाएगा और सांप उसे काट लेगा, उसके बाद फिर मैं ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। उसके बाद तुम्हें सब लोग हीरो बनने लगेंगे। यस, ये यूज किया गया सफल प्लान है। सुनो, इस सांप को उन लड़कियों के पास फेंक दो। लगता है सच में ऊपर वाले ने तुम्हें उन दोनों को मिलाने के लिए ही भेजा। गुरु प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है बादल। मुझे छोड़िए जी, सब लोग देख रहे हैं। मम्मा, पापा। नहीं, मैंने पकड़ लिया है। पकड़ लिया? कहाँ है? ये रहा। किस्मत तो इसके जैसी होनी चाहिए, देखो लड़की कैसे चिपक गई। सांप है जी। ये सांप कहाँ से आया कॉलेज में? जानवर आ सकते हैं तो सांप क्यों नहीं आ सकते जी? गणेश भाई इधर आइए। जाओ गुरु, नहीं तो सब लड़कियां समझेंगी तुम डर के मारे नहीं आ रहे, तुम्हारा कचरा हो जाएगा। जाओ। ये नाग देवता हैं, बहुत सीधे साधे, इन्हें मारना नहीं चाहिए। ये कुछ नहीं करेंगे, ये देखो। भागिए मत, चिल्लाइए मत, नहीं तो ये काट लेंगे। हटाना भाई, जहर भी नहीं निकला है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं करेंगे। अरे जहर भी नहीं निकाला है। जहर की क्या बात कर रहे हैं, लगता है कोई सपेरा छोड़ गया है। इन्होंने 500 रुपए देंगे कहाँ, तो इसलिए मैं लाया। अच्छा हुआ बता दिया, मैंने कहा था ना ये कुछ नहीं करेगा। आइए नाग देवता। एक बात बताओ, तुम्हें तुम बिल्कुल भगवान शिव की तरह लग रहे हैं, ये बिल्कुल सफेद जैसा। गणेश, मैं तुम्हें अभी डिसमिस करता हूँ। सर रहने दीजिए सर, इन्होंने रैगिंग के लिए किया था, है ना जी? हाँ हाँ हाँ, इन्हें माफ कर दीजिए सर। ठीक है, बादल के कहने पर तुम्हें माफ करता हूँ। जाओ, नाउ ऑल ऑफ यू गो बैक टू योर क्लास। एक काजल। हाँ? एक बात बताओ तुम्हें, मुझे ऐसा लगता है आज रात को तुम्हें एक सपना आएगा, और सपने में वो आएगा। कौन? तुम्हारी नींद चुराने वाला तुम्हारा राजकुमार। तो तुम्हें प्यार हो गया, इश्क में दिल तुम्हारा खो गया। कैसे कहे हमें प्यार हो गया, इश्क में दिल हमारा खो गया। बोलो ना चाहे आंखों ने कह दिया, हाल दिल का ये चेहरे से पढ़ लिया। तो तुम्हें प्यार हो गया, ऐसे कहे हमें प्यार हो गया। प्यार तो एक दिन सभी को जाना, मुझे भी पहली नजर में हो गया। रोका था मैंने हाँ दिल को अपने के तेरा, फिर भी मैं करिए हाँ तेरा हो गया। चलता नहीं जोर इस दिल पे, अरे आ ही जाता है ये किसी पे। चाहे
आंखों ने कह दिया, ये दिल का ये चेहरे से पढ़ लिया। तुम्हें प्यार हो गया, कैसे कहे हमें प्यार हो गया। अरे भूल न जाना अपना ये वादा, जादू ये कैसा तुमने कर दिया, काबू दिल पे मैंने खो दिया। बोलो ना चाहे आंखों ने कह दिया, हाल दिल का ये चेहरे से पढ़ लिया। साथिया दो तुम्हें प्यार हो गया, इश्क में दिल तुम्हारा खो गया। बोलो ना चाहे आंखों ने कह दिया, हाल दिल का ये चेहरे से पढ़ लिया। जादू ये कैसा तुमने कर दिया, काबू दिल पे मैंने खो दिया। साथिया ग्रेट ग्रीक वॉरियर वीर योद्धा था, उसने हर किसी को हराकर अपने राज्य में सबका भला किया, ग्रीक वीर उपाधि दी गई। आज मैं उसी के बारे में एक सवाल पूछता हूँ। काजल, काजल। सर। अलेक्जेंडर कौन था? एक द्रोही था सर। साइलेंस, कहाँ खोई हुई थी तुम? उसके पिता एक राजा थे, द ग्रेट अलेक्जेंडर को तुम पागल बता रही हो? उन्होंने जो कहा है वो सच है सर। क्या बादल, तुम भी उसकी तरह बोल रहे हो? और नहीं तो क्या सर, हमारे देश में घुसकर हमारे खजाने को ले जाने वाले, हमारी संपदा को नष्ट करने वाले अलेक्जेंडर द्रोही नहीं तो और क्या है सर? मेरी लिस्ट में अलेक्जेंडर ही नहीं बल्कि हमारे देश को लूटने वाला हर व्यक्ति द्रोही है सर। वेरी गुड बादल, बहुत अच्छा जवाब दिया। सॉरी सर, मैंने आपके प्रश्न का जवाब नहीं दिया, वो तो काजल जी ने दिया सर, मैंने तो सिर्फ एक्सप्लेन किया। शाबाशी के असली हकदार तो काजल जी है सर। आपका स्वास्थ्य ठीक है ना? ठीक है बोलो। कैसे बोलेगा सरदार, तुम भी एक चिट्ठी भेज दो। रुक तो, तेरा नाम भी लिखा है उसने। सहदेव कैसा है? अच्छा है, अच्छा है। ये आवाज वहाँ तक नहीं जाएगी, तू भी चिट्ठी भेजना। पहले पूरा पढ़ने दो, त्योहार पर आऊंगा, उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। बादल, लगता है बारिश आने वाली है, मैं तुम्हें लिफ्ट दूं? मैं बस से चला जाऊंगा जी, आप जाइए। हाय डार्लिंग। हाय, कहाँ पर हो? जहाँ पर रोज मिलते हैं। लेकिन बारिश होने वाली है। तुम जल्दी से आ जाओ जानू। Yes, sir. मुझे छोड़ दो। क्यों, कौन था वो? सर,
क्यों दिन में भी खुलेआम रोमांस कर रही हो पार्क में? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ सर। जो भी बोलना थाना चलकर बोलना। चल गाड़ी में चल। मेरी बात सुनिए सर, प्लीज छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर। ए, क्या हुआ? बारिश की वजह से बैटरी डाउन हो गई सर। क्या हुआ जी, बंद हो गई? ए, चार आदमियों को बुलाओ, धक्का मार। छोटे से काम के लिए चार आदमी क्यों? मेरा नाम बादल है, गांव जंगल में अकेला ही धक्का लगा लूंगा जी। मैं बादल हूँ, गांव जंगल में है, अभी जीप को धक्का मारा था। ओ, धक्के के लिए टिप चाहिए, 10 रुपया देकर भेज दो इसे। ऐसा नहीं है सर, अभी आप जीप में एक लड़की को लाए थे। लड़की? हम? कब? आपको लाते हुए मैंने देखा था सर। अच्छा, इसकी मुझे नहीं है ना, इसे देखकर लड़की समझ लिया होगा। जोक नहीं कर रहा हूँ सर, वो लड़की मेरी क्लासमेट है, बहुत अच्छी लड़की है सर। मतलब हम खराब आदमी है? पुलिस वाले हैं रे। प्लीज सर, मुझे पुलिस पे भरोसा है, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ सर। सैल्यूट मारो और चलते बनो। लड़की को मेरे साथ भेजिए, मैं चला जाऊंगा सर। कब से बकवास कर रहा है, चल। आपके हाथ जोड़ता हूँ सर। चल भाग यहाँ से। सर पहले ही आप 2 बार सस्पेंड हो चुके हैं, छोड़ दो सर। अरे चाचा। ए, चांद की खैरियत चाहता है तो वापस चला जा। दोबारा लौट कर आया ना तो इनकाउंटर कर दूंगा। इतनी हिम्मत? ये वो हिम्मत है जो हर जंगल वाले के खून में होती है, और उस सरदार ने विरासत में मुझे ये हिम्मत दी है। इज्जत से उस लड़की को मेरे साथ भेजिए। नहीं भेजा तो? आपको मार कर ले जाऊंगा। काजल जी को फोन कीजिए। हेलो काजल, मैं मेनका बोल रही हूँ। क्या हुआ? मैं अभी आती हूँ। मेनका शांत हो जाओ। सर, सर नमस्ते। ये सब क्या है? हाँ, किसने तुम लोगों को मारा? वो भाग गया क्या? नहीं सर, वो वहाँ बैठा है। नमस्ते जी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, पुलिस वाले को मारकर भागने की जगह यही बैठे हो? भागूंगा तो केस हो जाएगा सर। केस हो जाएगा तो मेरी पढ़ाई कैसे होगी सर? रहने पे ही तो केस होता है। ऐसे सरेंडर करूंगा तो सजा थोड़ी कम होगी ना सर, इसलिए। सर सच बात तो ये है कि जो हुआ है वो सब मुझे इस लड़की ने बता दिया है। यू ऑल सस्पेंडेड। बात तो नहीं है सर। गेट आउट फ्रॉम हियर। अब मेरा क्या होगा सर? मेरे ऊपर छोटा केस लगाइए सर, उन्होंने गलत किया इसलिए मारा। मैंने इन्हें गलत काम करने से रोका है इसलिए छोटा केस लगाइए। मैंने मैडम को बड़ा आदमी बनने का वचन दिया है जी। तुम्हारे ऊपर केस लगाओ, तुमने ऐसा क्या किया है? पब्लिक के गलती करने पर पुलिस को जितना सजा देने का हक है, पुलिस द्वारा गलती करने पर उसे सजा देने का हक भी पब्लिक के पास है। डोंट वरी,
मन लगा कर पढ़ो। तुमने जो मैडम का वचन दिया उसे पूरा करो। ठीक है सर, जो कुछ हुआ है उसे भूल जाइए, हिम्मत रखिए। आज आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, अगर इसे कुछ हो जाता तो फिर कल मैं अपना जन्मदिन कैसे मनाती? अरे वाह, कल आपका जन्मदिन है, बताया भी नहीं। एडवांस कांग्रेचुलेशन। पहले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप हम जैसे लोगों को बुलाएंगे तो नहीं। किसने कहा तुमसे ऐसा? कल मेरे जन्मदिन पर सबसे पहले गेस्ट तुम होगे और दूसरी मैं इनका। ये बात नहीं है, लेकिन आपके यहाँ बहुत बड़े बड़े आदमी आएंगे ना। मेरी नजरों में तुम बहुत बड़े हो, भले कोई नहीं आए पर तुम अकेले आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। कल तुम मेरे घर जरूर आओगे। कुछ नहीं हो मम्मी। बिना कुछ हुए ही तुम चिल्ला रही थी क्या? दरवाजा खोलो। हाँ क्यों चिल्ला रही थी अंदर? मैं कहाँ चिल्लाई मम्मी? तेरी शादी करनी पड़ेगी। सुनो जी, तुम्हारी लड़की पागल हो गई है, जन्मदिन के दिन आज फंक्शन रखा है, ऐसा कह के कर्जत में अपने भाई को न्योता भिजवा देती हूँ। मालिक मालिक बचाओ, मालिक बचाओ, मालिक बचाओ, बचाओ, मुझे मार देगा मालिक, बचाओ। ये क्या, नॉमिनेशन दे के आने को बोला था लेकिन तुम तो मेरे पैरों में पड़े हो। भाई मैं नॉमिनेशन नहीं भरूं इसलिए मेरा भाई मुझे ही मारने आ गया है, अब आप ही देखिए। भाई साहब, आपके खिलाफ नॉमिनेशन देने वाले को जिंदा रहने का हक नहीं है। सही कहा, जिंदा नहीं रहना चाहिए। ये क्या पिताजी, अपने ही आदमी को मार दिया? जहाँ हमारे लोगों ने अपने पक्ष में नॉमिनेशन दिया है वहीं इस गद्दार ने हमारे खिलाफ नॉमिनेशन दिया था। ये इसका भाई है, एक काम करो इसको अपना कैंडिडेट बनाकर डिक्लेयर कर दो। मालिक मालिक, ए चल चल, उठ उठ। मालिक इसकी लाश को दफना दूं क्या? रहने दे, तेरे भाई को दूसरी पार्टी वालों ने मार डाला, ऐसा प्रचार करो इसकी लाश देख कर पूरे गाँव वालों से तुझे सिंपैथी वोट मिल जाएंगे, ये तेरी बम्पर लॉटरी है। जा। मालिक मालिक, बड़ी बहन का फोन आया था। वो दीदी है, ये कुमकुम नहीं है, खून है। दीदी नमस्ते। अच्छी हो ना? अभी तक तू वहीं पर है क्या? भूल गया क्या आज मेरी लड़की का जन्मदिन है? मैं अपनी भांजी का जन्मदिन कैसे भूल सकता हूँ? ओ भाई, लड़की शादी के लायक हो गई है, जब तक मैं उसे दूल्हे के हाथ में नहीं सौंप देती तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। बचपन में ही रिश्ता तय हो गया था ना दीदी, वैसा ही होगा दीदी। अरे रे रे, आओ बैठो। अच्छे हो ना जीजा जी, आपके आशीर्वाद से चार बार एमपी की सीट जीत चुके हैं और फिर भी अच्छे नहीं होंगे क्या? आ गए तुम, इतनी देर से मैं यही सोच रही थी कि तुम आओगे या नहीं। देखो इसके आते ही घर में कितनी रौनक आ गई। मेरी उम्र भी लग जाए तुम्हें, 100 साल जियो। हाय मेनका। ए वेट वेट, क्या हुआ, बहुत खुश नजर आ रही है। बहुत खुश नहीं, बहुत 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 खुश हूँ। ओए ऐसी कौन सी बात है, मुझे भी तो बता। बादल बचपन में एक मैडम से मिला था, ऐसा बोल रहा था ना। हाँ मैडम जी मैं ही हूँ। सच में? हाँ मैंने उसे अभी नहीं बताया है, इसलिए क्योंकि वो मेरे पीछे मुझसे कितना प्यार करता है ये देखकर मुझे जितनी खुशी होती है वो खुशी उसे भी मिलनी चाहिए, इसलिए बादल को मैंने बर्थडे पार्टी पे स्पेशली इनवाइट किया है। ए काजल, सब लोग तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। बादल आ गया क्या? अब तक नहीं आया। जब तक वो नहीं आएगा मैं केक नहीं काटूंगी। वो आ जाएगा तब केक काटना, अब नीचे चल। मम्मी की आदत तुम्हें मालूम है ना, नीचे गई तो केक काटना पड़ेगा। बादल आ गया है। आ गया। Happy birthday to you, my sweet daughter. Thank you, daddy.
मैडम जी आप? ए मधु, हम सब यहाँ पर हैं, तुम वहाँ क्या कर रही हो? चलो इधर आकर केक काटो। बादल तुम भी आओ। पहले केक तुम किसे खिलाओगी, मम्मी को खिलाओगी या डैडी को खिलाओगी? वो सबसे ज्यादा आपको चाहती है तो आपको ही खिलाएगी। कॉलेज में उस दिन मुझे सांप से बादल ने ही बचाया था, अगर वो नहीं होता तो आज मैं अपना जन्मदिन नहीं मना पाती। मम्मी को नहीं, डैडी को नहीं, पर एक जान बचाने वाले को खिलाकर तुमने एक अच्छा काम किया है बेटी। अरे साले साहब आइए, अपनी होने वाली बहू को आशीर्वाद दीजिए। मेरी होने वाली बहू के साथ खेलता है जंगली। अरे अरे नागेश, तुम अपनी होने वाली बीवी के लिए डायमंड नेकलेस लाए हो ना, दो। अरे नजर ही नहीं हट रही है, कितने का लाए हो? 50 लाख का है। देखा तुमने छोटे, शादी से पहले ही मेरी बेटी को तुम्हारा लड़का कितना प्यार करता है। वो काजोल पर जान छिड़कता है, उसके लिए वो जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। पहना दे नेकलेस। शादी से पहले किस लिए पहनाना साले साहब, सिर्फ हाथ में दे दो। ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। थैंक यू। बादल, आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। नागेश, नागेश, और नहीं तो क्या, 50 लाख का नेकलेस दिया इसको, उसको छोड़ करके 10 रुपए की माला पहनी है इस लड़की ने। ओए, मेरी बेटी के जन्मदिन पर उसे पिटवाने आया है, कौन है तू, निकल जा यहाँ से। मम्मी मुंह बंद कर, तू जाता है या नहीं? जाता हूँ जी, ये मोती भी ले जाता हूँ जी। गया आज तू, मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूँ, मारने वालों में से हूँ। मेरी बीवी का जन्मदिन है आज, नहीं तो मर्डर कर देता तेरा। चल निकल जा यहाँ से। गलती हो गई सर, आज मैडम का जन्मदिन है, उन्हें खुशी मिलनी चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए। आप सब तो घर वाले हैं, मैडम जी के अपने हैं, मैं तो बाहर का हूँ, पराया हूँ। कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं इसलिए मोतियों की माला ले आया था, गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए। रुको बादल, किसी भी वस्तु का मूल लगाना जरूरी नहीं है, देने वाले का मन अच्छा होना चाहिए। वो मोतियां इधर दे दो। ओए, तुझे तो। रुको, छोटी सी बात को बड़ा बना देती हो। सुनो, इस लड़के को हमारी बेटी ने बुलाया था, इसके मन को जो अच्छा लगा उसने दिया, इसमें गलत क्या है? मेहमानों का अपमान करना बहुत बड़ा गुनाह है, तुम दे दो बेटा। आपने जो इज्जत दी वो मैं कभी नहीं भूलूंगा जी। अरे दूल्हे राजा, गुस्सा मत करो, तुम्हारे मामा सबके सामने बोल रहे थे इसीलिए मैं नहीं बोली। उसको केक खिलाना, उसकी इतनी इज्जत करना, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। कहाँ रहता है एड्रेस बताओ, उसको उसी के घर पर मारूंगा, तभी मुझे शांति मिलेगी। बहुत हुआ शांति रख, शादी करने वाले लड़की से अपनी दुश्मनी बनाना चाहता है, जीजा जी ने बीच में बोलकर बहुत अच्छा काम किया। तो छोड़ दे क्या? दीदी, इस पागल को यहाँ रखना है बहुत डेंजर है, मैं इसे अपने साथ गांव ले जा रहा हूँ। अरे छोटे भैया,
दीदी के साथ रहकर सगाई का काम देख लेना। ठीक है भैया, चल। ये बोल रहा हूँ क्योंकि आप हम जैसे लोगों को बुलाएंगे तो नहीं। किसने कहा तुमसे ऐसा? कल मेरे जन्मदिन पर सबसे पहले गेस्ट तुम होगे और दूसरी मैं। अरे नागेश, तुम अपनी होने वाली बीबी के लिए डायमंड का नेकलेस लाए हो ना, दो। काजल, ए काजल, ये क्या क्लासरूम छोड़कर हॉस्टल की तरफ जा रही है तुम? बादल से मिलने। घर पे जो उसकी बेइज्जती हुई है ये देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने उसे कहा था कि मेरे जन्मदिन पे जरूर आना, इतना सब कुछ सहन किया उसने, उसकी वजह सिर्फ मैं ही हूँ। मैंने ये सोच लिया है कि मैं उससे प्यार करती हूँ और ये मैं जाके उसे कहने वाली हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे मामा तो वहाँ तुम्हारी शादी की तैयारी कर रहे हैं ना? उन्हें तैयारी करने दो, मैं शादी के समय भाग जाऊंगी। मैं अपने मामा के बेटे शादी नहीं कर। बादल को तुम पसंद करती हो वो ठीक है, लेकिन उसके साथ तुम्हारी शादी? मेरी उससे शादी कन्फर्म है, मुझे उसकी आंखों में दिखाई दिया था, जैसे अब तुम्हें मेरी आंखों में दिखाई देता है। अब तुम समझी? ताला लगा है। कहाँ गया होगा वो? कौन चाहिए आपको? बादल। वो तो गाँव चला गया। कब गया? आपके आने से पहले चला गया। आप में से काजल कौन है? मैं ही हूँ। आपके लिए पैकेट है। ये वो चीज है जो मैंने उसे बचपन में दी थी, इतने दिन तक उसे संभाल के रखा, मुझे क्यों वापस कर दी? उसकी वजह से तुम्हें कोई परेशानी ना हो इसलिए बादल खुद तुम्हें छोड़ के चला गया। जंगल में मैं आग लगा दूंगी। उस अग्नि को ही मानकर हम शादी करेंगे। तेरी शादी नहीं, उसी अग्नि में मैं उसकी चिता जला दूंगी। बोल, जाएगी? जाएगी? शादी छोड़कर भाग रही थी? जाएगी? तुझे तो रुक, तेरे को तो करेगी फिर ऐसा? ले जाओ इसे, इसे अपने गांव लेकर जाओ। आगे की कहानी अब मैं पूरी करूंगी। चल, चल अंदर बैठ। क्या बहुत दुखी लग रहे हो? कोई प्यार वार का चक्कर है क्या? प्यार सफल नहीं हुआ क्या? किसी पर ज्यादा विश्वास करने से ऐसा ही होता है। क्या हुआ, उस लड़की ने तुम्हें मना कर दिया या तुमने उस लड़की को मना कर दिया? सर झुकाकर बैठे हो, लगता है गलती तुम्हारी तरफ से हुई है। बेचारी वो लड़की इस वक्त ना जाने कहाँ होगी। क्या हुआ? ट्रैफिक जाम हो गया भाई। ट्रैफिक क्लियर होने में 2-3 घंटे लगेंगे सर। यहाँ पर एक हाई क्लास ढाबा है सर, खाना पीना गाना बजाना सब कुछ है सर। आइए सर चलें। भाई हमें गांव पहुँचते पहुँचते सुबह हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर खाना खा लेते हैं। चलो उतरो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं खाओगी तो कैसे जिंदा रहोगी? उतरो। आइए सर, आइए आइए आइए, बैठिए। सुनो, बेटी जो मांगे उसे ला कर दो, मैं अभी आता हूँ। ध्यान रखना, तुम लोग नजर रखना। मैम साहब, खाने के लिए क्या क्या लेके आऊं? ए, जाए यहाँ से। बैठ जाओ मालकिन, बैठ जाओ। इश्क कभी करियो ना परदेसी से।
तुम्हारे गले में कितना दर्द है। अगर तुम्हारा दर्द तुम्हारे आशिक ने नहीं सुना तो प्रलय आ जाएगी, तूफान आ जाएगा। अगर तुम्हारा प्यार यहाँ पर है फिर भी वो तुम्हारा दर्द समझ नहीं पा रहा तो वो चाहे मर्द होगा लेकिन उसके सीने में दिल नहीं है। मैं तुम्हारे दर्द को समझूंगी। पुकारो तुम अपने प्यार को, पुकारो प्यार से, गुस्से से बुलाओ। आज तुम गाओगी और मैं नाचूंगी और तब तक नाचती रहूंगी जब तक तुम्हारा प्रेमी नहीं आ जाता। चलो साथ मुझे अपने तू ले जा। जल्दी चलो चलो, वो देखो भाई काजल, ए मारो इसे। आदमी को इतने सारे लोग मिलके मार रहे हैं, क्या देख रहे हो? मारो सालों को। बेटा जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ जाओ, आओ जल्दी आओ, छोड़ो छोड़ो जल्दी जल्दी। ये क्या कह रहा है तू? दीदी वो हमारी काजल को लेकर भाग गया है। ए, चल गाड़ी निकाल। चलो हमारे साथ। नहीं। ओए, लेकर आओ उसे। रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। ओए बुढ़े, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, एक एक करके सबको मार दूंगा। वो लड़की तुम्हारे साथ आना नहीं चाहती, उसे जबरदस्ती क्यों ले जाना चाहते हो? कोई जानवर नहीं है। तू हमें न्याय सिखा रहा है? बताने से भी तुम नहीं समझोगे, इसलिए विनती करता हूँ। उसे ले जाने के लिए चाहे तुम्हें भले मारना पड़े। भले ही हमारी जान चली जाए पर लड़की को जाने नहीं देंगे। रुक जाओ। आइए एमपी साहब, सही समय पर आए हैं। वो लड़की बहुत अच्छे घर की है, उनका घर बहुत बड़ा है, बिना मर्जी के इसकी शादी की जा रही है। हमारा बादल इसे यहाँ ले आया है। आ गई मैं, तू उसकी शादी कराएगा? जंगली लोगों की शादी कराने वाले तुम? वो किसकी लड़की है पता है तुम्हें? किसी की भी लड़की हो, 18 साल की होने के बाद वो एक बालिग है। ओए, जंगल में रहने वाला तू हमें कानून पढ़ाएगा? जंगली हो चाहे शहरी हो, पढ़ाई लिखाई पर इसका कोई असर नहीं। बादल, मैं और सरदार बात कर रहे हैं। बोलिए साहब, न्याय आप ही कीजिए। मैं जो फैसला करूंगा वो तुम्हें मंजूर होगा? ऐसी बात नहीं है सरदार। बादल, मेरे और साहब के बीच में कोई नहीं बोलेगा, ये सरदार की आज्ञा है। बोलिए साहब, अगर ये सही है तो अभी आपके सामने दोनों की शादी करवा देते हैं, अगर ये गलत है तो मैं आपके सामने इस लड़की को यहाँ से भेज दूंगा। बादल ने जो किया है गलत है, उस लड़की को भेज दो। जगदीश राव जी। बादल, बीच में मत बोलो। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, सरदार काजल उन्हीं की बेटी है। ये सच मुझे तुम पहले भी बताते तो भी मैं न्याय उनकी ही तरफ करता। सरदार, साहब यही आपका न्याय है? देखो सरदार, तुमने कुछ सालों पहले कहा था कि
कि इस उपकार का बदला चुकाने के लिए इस जन्म ही मौका मिले, वो मौका अब आया है। उस वचन को निभाना या तोड़ना तुम्हारे ऊपर है। हम जो शिव की पूजा करते हैं, उस शिवलिंग को बनाने वाला कौन है? गुरु के लिए अंगूठे को काट कर देने वाला एकलव्य, बलिदान जीवन की रक्षा करने वाला हमारे सांप देवता, अगर हमारे लिए कोई अच्छा करता है तो उसे मरते दम तक नहीं भूलते हैं। आपने जो जवान दी है उसे मरते दम तक नहीं भूलूंगा। बादल, उस लड़की का हाथ छोड़ो। सरदार, हमारी भलाई करने वाला व्यक्ति आज हमारे सामने हाथ फैला रहा है। हमारी इच्छा को पूरी करने वाला भगवान है वो, उसे खाली हाथ मत चले दो। हाथ छोड़ो। अंकल, काजल घर पे है क्या? ऊपर है, जाओ बेटी। सुनो बेटी। हाँ? बेटी, मेनका, जब से वो आई है तब से काजल ने पानी तक नहीं पिया है बेटी। किसी से बात नहीं कर रही है वो। उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत डर लग रहा है बेटी। तुम उसकी बचपन की सहेली हो, कुछ भी करो, कैसे भी करके मेरी बेटी को पहले जैसा बनाना तुम्हारे हाथ में है बेटी। काजल, काजल, मैं मेनका हूँ। काजल चुप हो जाओ, काजल चुप हो जाओ। बादल को मुझसे दूर करके अगर वो मेरी शादी मामा के बेटे के साथ करवाएंगे तो मैं नहीं करूंगी। बादल मेरी जिंदगी है, मैं उसके बिना नहीं जीऊंगी और नहीं जी सकती हूँ। चुप हो जाओ काजल। क्या छोटे भैया, उस जंगली को मार दिया ना? नहीं भैया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ओए सुबह आओ। उसका नाम क्या है? बादल। कोई रिश्तेदार है? कौन सा गांव है? जंगल में। सुन लिया ना, जाकर जंगलों में उस बादल को मार दे। सगाई होने से पहले ये खबर मेरे कानों तक आनी चाहिए, समझे? ऐसा ही होगा मालिक। उसे मारना बिल्कुल बेकार है, वो खुद ही राजी हो गया है। मनुष्य के राजी होने से मन राजी नहीं होता। वो वहाँ पर जिंदा है यही सोच कर किसी दिन हमारी बेटी चली गई तो हमारी इज्जत, हमारा गौरव मिट्टी में मिल जाएगा, समझ गए? तुम जाओ यहाँ से। बादल, सरदार ने जो कुछ भी किया ठीक नहीं था। ए, चुप हो जा। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा। बेचारी वो लड़की घर वालों को छोड़कर तुम पर विश्वास करके आई थी, सरदार ने वापस भेज दिया। उसका पता नहीं क्या होगा। एक सरदार के कहने पर आखिर में तुमने उसे छोड़ने का फैसला कैसे किया? सरदार मेरे लिए भगवान है, वो जो कहेंगे मैं करूंगा। लेकिन जब मुझे सरदार ने मैडम जी का हाथ छोड़ने के लिए कहा तो लगा जैसे कोई मेरी जान निकाल रहा हो। मुझे पता है तुम बचपन से ही उस लड़की को कितना चाहते थे। सरदार के पास जाकर बोलो कि मैं उस लड़की के बिना जी नहीं सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं कह सकता। तू कुछ मत बोल, सरदार का मन बदल जाए मैं माँ के पास जाकर प्रार्थना करता हूँ। तू जा, तू जा, मैं कह रहा हूँ ना, जा। ओ बुड्ढे, बादल नाम का लड़का जो कॉलेज में पढ़ता है कहाँ रहता है? क्यों बेटा, एमपी की मार से वो किस तरह रो रहा है ये देखने के लिए आए हो तुम? वो देखो, वो बेचारा उस मंदिर के पास बैठकर रो रहा होगा। बादल, मेरा नाम सहदेव है। फिर बादल कहाँ है? वो रहा। ए, ए, रुक, कहाँ जा रहा है तू? रुक, ए, आ, रुक, रुक जा।
मत करना। क्या हुआ? माता की कृपा से तुम बच गए। तुम्हारे प्यार के लिए मैंने अपना बलिदान दे दिया। इसी माता का आशीर्वाद लेकर तुम मैडम के पास चले जाओ। तुम दोनों को एक होना है, एक हो जाओ। सरदार ने उन्हें इज्जत दी, उसकी बेटी को उसके पिता को सौंपा, लेकिन उसने हमारे बादल को मारने की कोशिश की। उसकी बात मानकर हमने बहुत बड़ी गलती की है। बादल, मैंने ही कहा था उसका हाथ छोड़ दो, और आज मैं ही कह रहा हूं, जाकर उस लड़की को ले आ। जरूरत पड़ने पर हम अपनी जान तक दे सकते हैं, तो इज्जत भी बचा सकते हैं। जाओ, गांव की इज्जत वापस लेकर आओ। यजमान, आप लोग अपनी थाली बदल लीजिए। अंध्रवंते राजा वरुणोध्रवंते। ऐसे क्या देख रहे हैं? मुझे मारने के लिए जिस आदमी को भेजा था, ये उसी आदमी की कमीज है। उसे मारकर मैंने जंगल में फेंक दिया। सुनो बादल, सुनो। चुप रहिए। मैंने आपको एक बड़ा और इज्जतदार आदमी समझकर इज्जत दी, लेकिन आप उस इज्जत की मर्यादा नहीं रख पाए सर। मेरे प्यार की खातिर मेरे दोस्त ने अपनी जान न्योछावर कर दी सर। उसी दोस्त की कसम, भले ही मुझे कितने भी खून क्यों न करने पड़े, लेकिन काजल को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। शाबाश, उस दिन तू पुतले की तरह खड़ा था, मैंने सोचा तू किसी नामर्द की औलाद है। बचपन से ही शेरों से खेलने वाला मर्द हूँ मैं। सुनकर अच्छा लगा। अगर तू सच में मर्द की औलाद हो तो मुझे हरा कर काजल को लेके जा। आप किस लिए बालिक, हम है ना इसे देख लेंगे। जाओ, तुम में से आगे कोई नहीं आएगा। तेरे सीने पे पैर रख कर काजल को यहाँ से ले जाऊंगा। Hey!
पर हाथ उठाने के लिए मजबूर मत करो। एक औरत हो, औरत की तरह रहो। ए छोटे, तू क्या देखता ही रह गया? ये जंगली शहर से ज्यादा दूर नहीं जाएगा। शहर के चारों तरफ रोड ब्लॉक कर दिए गए हैं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पुलिस वाले खड़े कर दिए गए हैं, न्यूज़पेपर, प्रेस वाले और टीवी वालों को भी बोल दिया गया है वो इस शहर को पार नहीं कर पाएंगे, उन्हें हम पकड़ लेंगे। पब्लिक के सामने मर्डर करना मेरी पॉलिसी नहीं है, इसलिए वो जंगली बादल बच गया, लेकिन अब नहीं बचेगा। वो जहाँ पर दिखाई दे गोली मार दो, उसके बाद जो होगा मैं देख लूंगा। तो आप मुझे जल्दी से शूट एट साइट का ऑर्डर दिलवा दीजिए। 5 मिनट के अंदर वो ऑर्डर तुम्हारे हाथ में होगा। आधे घंटे में उसकी लाश आपके कदमों पर होगी। ए, जल्दी चल। ए, देख वो वहां जा रहे। ए, वो जा रहे, चल जल्दी कर। यहां से किसी लड़का लड़की को भागते हुए देखा क्या? हाँ देखा, वो सीधे जाकर उधर मुड़ गए। चलो जल्दी करो। थैंक्स यार। हमारी एक दूसरे की दुश्मनी सिर्फ कैंपस में ही है, बाहर आने पर हम सब स्टूडेंट एक हैं। ये लो भाई। आओ काजल बैठो। आओ, आओ काजल बैठो। Come on, let's go. बादल पुलिस, ले चलो, चलो। ठीक तो है? डरो मत दीदी, अगर मरी होती तो अभी तक उसकी लाश पानी के ऊपर आ गई होती। नहीं आई मतलब वो मरे नहीं, जिंदा है, कहीं पर जिंदा होंगे वो लोग। ए, सब जगह पर ढूंढो उसे। जहां पर भी मिले उसे काट देना। उस नाव में जाकर देखो। देता हूं भाई। भाई उधर कोई नहीं है। चलो यहां से चलो। Thank you.
बादल, हाँ, ये क्या है? हम लोग इस सुनसान सी जगह पर कैसे पहुंच गए? वाव, ब्यूटीफुल! ये नीला आसमान, पेड़ पौधे, ये समंदर, टापू बहुत सुंदर हैं। शहर से बहुत दूर एक नई दुनिया में हम आए हैं। लगता है भगवान ने हम दोनों को यहाँ भेजा है, इस आकाश को साक्षी मानकर, धरती को साक्षी मानकर। हम दोनों यही रुक जाते हैं ना? आकाश है गवा, धरती है ये गवा। आकाश है गवा, धरती है ये गवा। तू ही आशिकी मेरी, तू ही जिंदगी, तू ही हर खुशी मेरी, तू ही बंदगी। भूलो तुझे जिस दिन मेरा दिन हो आखरी, वो ये दुनिया चाहे दुश्मन बने, ना होंगे हम जुदा, ना छोटे साथ है अब चाहे रूठे रब, चाहे अब खुदा। हवाए है गवा, घटाए है गवा, तू ही आशिकी मेरी, तू ही जिंदगी, तू ही हर खुशी मेरी, तू ही बंदगी। सच्चा है अपना, कभी बदलेगा नहीं, वादा पक्का है अपना, कभी टूटेगा नहीं। बंधन है जन्मों का, कभी छूटेगा नहीं, तेरे सिवा दिल में अब कोई आएगा नहीं। रहना मुझे रहना है तेरी बाहों में, ये दुनिया चाहे दुश्मन बने, ना होंगे हम जुदा, ना छोटे साथ अब चाहे रूठे रब, चाहे अब खुदा। आकाश है गवा, धरती है ये गवा, तू ही आशिकी मेरी, तू ही जिंदगी, तू ही हर खुशी मेरी, तू ही बंदगी। बना के तुम
दिल में मुझे रखना, सपने सिंदूरी बनके आंखों में तुम बसना। आने से तेरे लग ये दुनिया सुहानी, पी ये अपनी है सदियों पुरानी। जियो जो तेरे बिन मेरा पल हो आखिरी वो, ना छोटे साथ अब चाहे रोटे रब चाहे अब खुदा। ये दुनिया चाहे दुश्मन बने ना होंगे हम जुदा। ये कुदरते है गवाह, ये नजारे है गवाह, तू ही हर खुशी मेरी तू ही बंदगी, तू ही आशिकी मेरी तू ही जिंदगी। काजल, काजल काजल, ए इधर आ। वो मैडम चिल्लाएगी तो नहीं? नहीं चिल्लाएगी तो यहाँ। कौन है तू? ये बात मुझे पूछनी चाहिए थी। रात को मैंने इसे बांध कर रखा था, सुबह तक ये बोट यहाँ कैसे आ गई? ये तेरी बोट है? मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, खान भाई की है। मैं इसका ड्राइवर हूँ, मेरा नाम हनुमान है, ये मेरा असिस्टेंट मारुति है। मतलब रात को जिसे पुलिस ढूंढ रही थी वही हो तुम लोग? हाँ, उन लोगों से बचने के लिए हम इस बोट में छुप गए थे। ये भगवान, रो क्यों रहा है? रो नहीं तो और क्या करूँ सर, मेरा टाइम ही खराब है। गोदारी में और भी तो बोट चलती है, तुम्हें क्या मेरी ही बोट मिलनी थी? अगर ये बात पुलिस को पता चल गई तो छोड़ेंगे नहीं, अल्लाह रखा। वो कल रात को मेरे ही बोट में थे साहब, सुबह होने पर ना ही तो वो बोट और ना ही वो दोनों बच्चे मिल रहे। बेचारे छोटे बच्चे हैं, उन्हें कुछ मत करना साहब, अल्लाह आपका भला करेगा। जिसके नाम से पूरे गांव के लोग डरते हैं, सब लोग कांपते हैं, ये जगन मोहन राव समझ में आ गई और उसकी आंखों के सामने से मेरी होने वाली बहू को लेकर चला गया। मेरे लड़के की शादी पर उसका सर चाहिए, जाओ। ऐसे क्या देख रहे हो? आदमी हो तो ऐसा होना चाहिए। संसार में जब भी किसी की मौत होती है तो वो भगवान के हाथ में होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर मौत ऐसे आदमियों के हाथ में होती है या उनके साथ काम करने वालों के हाथ में होती है। कोई भी बीच में आए तो उसे मार दो। सब घरों में जाकर ढूंढो, बादल का सर चाहिए, मेरे भाई को उसका सर चाहिए। रुक जाओ, कहाँ छुपा है बादल? सूरज आसमान में रहता है और शेर जंगल में रहता वो है। वो शेर है तो उसे बाहर आने अगर को आया तो उसे छुपने की जरूरत नहीं है। उसे लड़की को लाने के लिए मैंने ही कहा था, वो आता ही होगा। इतनी हिम्मत? जब बड़े लोग न्याय गलत करते हैं तो छोटे में न्याय की हिम्मत आ जाती है, समझे? इसकी कीमत चुकानी होगी, याद रखना। जान दे कर भी कीमत चुकाएंगे। ओए, तुम लोग जाओ, किसी को भी झोपड़ी से मत निकलने देना, जाकर झोपड़ियों को जला दो। एक कदम बढ़ाने से पहले उधर नजर उठा कर देख लो। कदम बढ़ाया तो आग झपकने से पहले ये तीर तुम्हारे शरीर को छलनी कर डालेंगे। छोटा समझ कर ये मत सोचना कि हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ से लेकर जगन राव तक सबका सर काट डालेंगे। जंगल में उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आना चाहो तो आओ, अगर लड़की लेने आए तो जान से मार डालूंगा। ये इस सरदार का फैसला है, जाकर बोल दे रहा उसे। जाओ। बादल, कैसी है मेरी ड्रेस? हे भगवान, शहर से मैं अपनी बीवी के लिए ये ड्रेस लेकर आया था और आपने पहन लिया। ओए, शहर जाकर ऐसे 10 कपड़े दिलवा दूंगी। तो फिर ठीक है जी। ओए, जरा वहाँ देख, लगता है कोई टापू है। ए, थोड़ा करीब जाओ ना। काजल हाथे, ये तो पूरा जंगल लग रहा है। डरो मत, इसे पार करके जंगल में पहुंच जाएंगे। तो फिर जाओ ना, जाओ जल्दी जाओ, जाओ। हेलो, कहाँ जा रहा है? मेरा काम हो गया ना, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? वहाँ जाके पुलिस को बताओगे? नहीं नहीं, मारुति के सर की कसम मैं नहीं बताऊंगा। नहीं मारा, आप बताएगा? ऐसे मारोगी तो फिर कौन नहीं बताएगा? ए, मुंह बंद कर। मैं कौन हूँ पता है? एमपी की लड़की हूँ, मेरी माँ खून कर चुकी है। इतना बड़ा बैकग्राउंड मालूम होने पर कौन जाएगा लौट कर? चल फिर। आ बे मारुति।
यहाँ पर क्यों आए भाई? पूरे जंगल में घूम कर देखो, वो बादल कहीं पर भी होगा लेकिन वो यहाँ पर जरूर आएगा। इधर ही इंतजार करते हैं। हाँ बोल। सर वो किसी अंडमान नामक टापू पर गए हैं, ऐसा मुझे मैसेज मिला है। वो अंडमान टापू में छिपे हैं, तुम वहाँ जाकर उनको पकड़ लो। वो जैसे ही पकड़ में आए मुझे फोन करना। इस जंगल के पानी में कौन सा सांप है पता नहीं। अरे खून निकल आया। मैं इस पत्थर पे नहीं चल सकती, कोई और रास्ते नहीं है क्या? नहीं, यहीं से जाना पड़ेगा। इस पानी में सांप मछली होंगी, मुझसे नहीं होगा। काजल मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊँगा। कैसे? पीठ पर उठाकर। हे माँ, मेरा बहुत वजन है। 100 किलो वजन उठाकर आराम से चल सकता हूँ, तुम चीज ही क्या हो। कम ऑन यार। कैसे? घोड़े की तरह। तो आप चले? हाँ चलो। रहने दो बादल, उतार दो। वो क्यों? बहुत वजनदार नहीं हो तुम, तो रुई की तरह हो, बैठी रहो। प्लीज बादल उतारो, पैदल चलती हूँ। चुपचाप बिना हिले बैठी रहो। क्या है? तुम तो कह रहे थे कि पानी में सांप और मछलियाँ होती हैं। आओ। आ रही हूँ, रुको। क्या हुआ तुम्हें? अरे मैं तुम्हें बताता हूँ, एक तार दूसरे तार से मिल जाए तो क्या होता है? करंट लगता है। अभी वही हुआ है। कैसे? एक जवान लड़की वो ओ, ओ एक जवान लड़का तुम, इ, 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 दोनों मिले तो टिन टिन स्वी बल्ब जल गया है, यही बात है। एक काजल सच में ऐसा है क्या? ठीक जाओ। अरे 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 कहाँ जा रहे हो? अरे अरे बादल, क्या हुआ? वो बंदर मेरे कपड़े लेके भाग गया, पकड़ो। ए, 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 तेरी तो लाबे। काजल काजल, ए इधर मत आओ। आऊंगा नहीं तो तुम्हारे कपड़े कैसे दूंगा। आंखें बंद करके कदम बढ़ा के आ गया, मैं कपड़े ले लूंगी। ओके। और कितने कदम? 2 कदम और। 1 2 बस बस वहीं से। ये लो। लो ना। थोड़ा और पीछे आओ। शोले देखो हवा प्यार की ये, चली 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 देखी जो तेरी मैंने जवानी, मन में होने लगी खलबली खलबली खलबली। Bye.
दिल ये मचलने लगा। चलने लगा बेताब दिल ये मचलने लगा। नादानी जवानी होने दो नादानी। होने लगी खलबली 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 भड़के हैं शोले देखो हवा प्यार की ये चली 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 चली। सीआई बोल रहा हूँ, उनका पता चल चुका है। गुड, उन पर अटैक करो, लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। अभी तुरंत मैं वहाँ पर फॉरेस्ट के ऑफिसर भेज रहा हूँ, मैं भी वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। इस बार वो बचना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। शेराजा, शेराजा। बच गया। क्या बच गया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो पुलिस वाले किधर गए? यहीं से गए। काजल भागो। सर, लगता है यहाँ कोई भूत प्रेत है, हम लोग अपनी जान बचा के यहाँ से भाग चलते हैं। शट अप, चलो ढूंढो उसे। हाँ चलो। यहाँ से चलो सर, वो यहाँ का पैदाइशी है, वो कहाँ से आकर हम लोगों को मार देगा। चलो सर।
वो यहीं पर कहीं है, उसके पैरों की आवाज आ रही है, उसे गोली मार दो। मारुति उस रास्ते से भाग 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 भाग। गुरु लगता है मार दिया। कुछ नहीं होगा। ये तुमने कैसे किया गुरु? तुमने क्या मुझे समझा? इस जंगल में कोने कोने में क्या मुझे सब पता है? अगर मैं असली में शेरों का राजा होता तो इन बेचारे प्यार करने वालों को जरूर बचाता। समझा तू? चलो अंदर बैठो।
बादल हूँ बादल मैं, प्यार का बादल मैं, बादल हूँ बादल मैं, प्यार का बादल मैं, इश्क में तेरे जन्म हुआ पागल मैं, तेरे नजर से तेरे हुआ घायल मैं, बादल है बादल तो प्यार का बादल तो, बादल है बादल तो प्यार का बादल तो, इश्क में लेकर आए उसका सर? कहाँ है उसका सर? ओए, उसका सर कहाँ है? मालिक वो क्या है कि ए, उसका सर कहाँ है? मालिक मैंने अपने भाई का सर नहीं उसका सर लाने भेजा था, लेकिन उसने मेरे भाई का सर काट कर मुझे भेज दिया और वो भी तू लेकर आया। मालिक मेरी कोई गलती नहीं है। तुम आदमी हो कि जानवर हो, तेरे बदले की आग के कारण उस दिन सुब्बाराव ने अपनी बलि दे दी, आज तेरा भाई भी चला गया। ये खून की प्यास अभी बुझी नहीं क्या? और कितने लोगों की जान लोगे तुम? क्या जी, मेरे भाई से ऐसे चिल्लाकर बात? जीजा जी अपना हाथ संभालिए। नहीं, बहुत देर हो गई, ये चाटा मुझे बहुत पहले मार देना चाहिए था। इतने दिनों तक मैं खामोश रहा, तुमने जो कहा मैंने वही किया। अपनी इकलौती बेटी के प्यार को मैंने धोखा दिया है। इससे ज्यादा
मैं एक एमपी के पद पर रहकर सभी लोगों के लिए भला किया, पर एक पिता होने के नाते अपनी ही बेटी के प्यार को मैं नहीं समझ पाया। एक बड़े आदमी के नाते एक प्रजापति रहकर जो गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी वो गलती मैंने की, उसको अब नहीं करूंगा। मुझे भगवान की तरह मानने वाले सरदार उस वन झील में जाकर क्षमा मांगकर पूरे रीति रिवाज से मैं अपनी बेटी की शादी उस बादल के साथ करूंगा। पहले होम मिनिस्टर के पास फोन करके वो कहाँ है, कैसे है, किस हालत में है, पुलिस डिपार्टमेंट को पता लगाने के लिए कहूंगा। हेलो हेलो, ए जी ये क्या हो गया? सिर्फ बेहोश हुए हैं, ज्यादा देर से नहीं मारा नहीं मरेंगे, तुम चिंता मत करो दीदी। ए, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ। ए बादल, अगर मुझ में मेरे बाप का खून है तो कल सुबह तक तेरा सर मैं काटूंगा, मैं ही काटूंगा। शाही से नहीं लिखा है, तेरे सरदार के खून से लिखा है। अगर तू अपने सरदार को जिंदा देखना चाहता है और तू चाहता है कि उन्हें कुछ नहीं हो तो शाम होने से पहले काजल को लेकर आ जा, नहीं आया तो तेरे गांव में से कोई नहीं बचेगा। उसको दिया हुआ समय पूरा हो गया पिताजी, वो नहीं आएगा। वो जरूर आएगा, मेरे हाथों से मरने के लिए आएगा। मरने के लिए नहीं, तुझे मारने के लिए आएगा। शेर के भूख लगने पर ही शेर किसी दूसरे को मारता है, लेकिन मैं टाइम पास के लिए मारता हूँ। जितनी जल्दी बादल या आएगा उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं तो एक एक मिनट में एक एक की गर्दन काटता रहूंगा मैं। ऐसे बेटे की खातिर हम 100 बार अपनी गर्दन कटवा सकते हैं। ए, बैठो। जाकर मेरी बहू को लेकर आ। बेटा, जैसे ही काजल नीचे उतरे तुम्हारे हाथ का भाला उसके शरीर में अंदर चले जाना चाहिए। Thank you.
बादल। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। तुझे मारूंगा तो तेरी और मेरे में फर्क ही क्या रह जाएगा, उठ। मैं तुझे नहीं मारूंगा, पर मुझे कुछ देना होगा। आज से किसी को भी नहीं मारेगा, ये वचन दे मुझे। हम जंगल में रहते हैं पर किसी जीव को नहीं मारते। तुम शहर में रहकर जानवरों की तरह रहते हो, पैसों के लिए, पद के लिए, नाम के लिए। आदमी ही आदमी का दुश्मन है। आज से इस हाथ से मैं अच्छे काम करूंगा, कभी गलत नहीं करूंगा, मुझे अपने पैदा करने वाली माँ की कसम। सच में अगर तुम आज से गलत काम करना छोड़ दोगे तो समझूंगा कि तुम्हें हमारी तरफ से एक कीमती नसीहत मिल गई। जाओ यहां से। बादल, रुक जाओ। बेटी, तुम जिससे शादी करना चाहती हो हम उससे ही तुम्हारी शादी करवाएंगे। बेटा बादल, काजल एक अच्छे आदमी को बड़ा आदमी बनाने का सपना दिखाने वाली तुम हो, उस सपने को सच करना ही तुम्हारा काम है बेटी। शोले देखो हवा प्यार की। Hey guys. Hi, this is Venkatesh here. This is Vijay Devarkonda. Hi, this is Samantha. Telamkona Srinivas. Watching Telugu FilmNagar. Subscribe to Telugu FilmNagar. Subscribe to Telugu FilmNagar. Do subscribe to Telugu FilmNagar. Telugu FilmNagar. Please subscribe to Telugu FilmNagar. You're watching Telugu FilmNagar. Subscribe to Telugu FilmNagar for the latest updates. Telugu FilmNagar. Chinna bell icon untadi, annokandi.